मूवी में सौतेली बहन अपने भाई को एक टास्क देती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड को पटाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो तुम मेरे साथ भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हो। तो क्या उसका भाई है उसकी फ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है, ये जानने के लिए देखिए मूवी की पूरी स्टोरी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबास्टियन होता है। सेबास्टियन के लिए किसी भी लड़की को पटाना कोई बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि सेबास्टियन एक प्ले बॉय होता है। सेबास्टियन स्टार्टिंग में एक डॉक्टर के पास जाता है जो कि एक थेरेपिस्ट होती है। वो उस डॉक्टर के साथ भी फ्लर्ट करता है। कुछ देर बाद सेबास्टियन वहां से चला जाता है, तब डॉक्टर की बेटी का फोन आता है। वो उसको बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी सारी न्यूड फोटो वायरल कर दी है। जब डॉक्टर अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है तो उसकी बेटी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम सेबास्टियन है। अब डॉक्टर ऊपर से सेबास्टियन को गालियां दे रही होती है, लेकिन सेबास्टियन उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर एक और लड़की के साथ वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथरीन होता है। कैथरीन सेबास्टियन की सौतेली बहन होती है। कैथरीन से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड सिजेल और उसकी माँ यूं होती है। सिजेल की माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें कैथरीन की तरह बनना चाहिए जो काफी फेमस है। कुछ देर बाद सेबास्टियन भी वहाँ आ जाता है। अब सेबास्टियन को देखकर सिजेल की माँ सिजेल को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सेबास्टियन काफी बदनाम है। अब कैथरीन अपने भाई से कहती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड सिजेल को पटाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा, लेकिन सेबास्टियन कैथरीन से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे तो प्रिंसिपल की लड़की पटानी है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है। तब कैथरीन सेबास्टियन से कहती है कि ये काम तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि सेबास्टियन अपनी बहन कैथरीन को काफी पसंद करता था और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था, इसलिए वो उसकी इस शर्त को मान लेता है। अब अगले सीन में हमें प्रिंसिपल की बेटी एनेथ को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंटी के घर रहने के लिए आई होती है। अब सेबास्टियन एनेथ को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एनेथ को सेबास्टियन के सारे कांड पता होते हैं और वो उससे मना कर देती है। अब सेबास्टियन अपने फ्रेंड के पास जाकर ये सोच रहा होता है कि उसको मेरे बारे में किसने बताया होगा। तब उसको ध्यान आता है कि शायद ये काम क्रेग ने किया होता है। अब अगले सीन में हमें कैथरीन और सिजेल को दिखाया जाता है। अब सिजेल कैथरीन से कहती है कि मुझे मेरे म्यूजिक टीचर से प्यार हो गया है, पर प्यार में क्या सब होता है मुझे कुछ नहीं पता। तब कैथरीन सिजेल को किस करना सिखाती है। अब अगले सीन में हमें सेबास्टियन को क्रैग के घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर क्रैग एक लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा होता है। तब सेबास्टियन क्रैग की फोटो खींच लेता है और उसको ब्लैकमेल करता है। वो ग्रे से कहता है कि तुमने जो एनेथ को मेरे बारे में गलत चीजें बताई हैं उनको सही करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो ये पता करो कि मेरे बारे में किसने गलत चीजें बताई हैं। अब अगली सुबह ग्रे एनेथ से मिलता है और सेबास्टियन की झूठी तारीफें उससे करता है। यहाँ एनेथ ग्रे को बताती है कि सेबास्टियन के बारे में सारी गलत इन्फॉर्मेशन सिजेल की माँ ने मुझे दी थी। सेबास्टियन को ये बात पता चलने पर काफी गुस्सा आता है। वो कैथरीन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सिजेल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा क्योंकि उसकी माँ ने जो मेरे साथ किया है मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब कैथरीन भी सिजेल की माँ के घर जाकर कैथरीन और म्यूजिक टीचर के अफेयर के बारे में उसकी माँ को बता देती है, जिसे सिजेल की माँ म्यूजिक टीचर को वहां से निकाल देती है। अब कैथरीन और सेबास्टियन म्यूजिक टीचर को बहाने से अपने घर ले जाते हैं। अब कैथरीन और सेबास्टियन म्यूजिक टीचर से सिजेल को एक लव लेटर लिखने के लिए कहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिजेल को अपने घर बुला सकें और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकें। म्यूजिक टीचर के लव लेटर भेजने के बाद सिजेल सेबास्टियन के घर आ जाती है जहाँ पर सेबास्टियन उसके साथ डांस करते हुए उसकी कुछ फोटो क्लिक कर लेता है। सिजेल जब ये बात कैथरीन को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी कुछ फोटो क्लिक की है, तब कैथरीन सिजेल से कहती है कि सेबास्टियन को सेक्स के बारे में काफी नॉलेज है, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है जिससे तुम अपने म्यूजिक टीचर को खुश कर सकती हो। सिजेल काफी सीधी लड़की थी, वो कैथरीन की बात मान लेती है और वो सेबास्टियन के साथ सेक्स करने के लिए रेडी हो जाती है। सेबास्टियन को एनेथ से प्यार हो गया था जिसकी वजह से उसका अब किसी भी लड़की में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। इसी वजह से वो सिजेल को बेड से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मना कर देता है। अगले दिन सेबास्टियन जब एनेथ से मिलता है तो वो उसको किस करने लग जाता है, जिसमें एनेथ सेबास्टियन को मना कर देती है। एनेथ भी सेबास्टियन से प्यार करने लगी थी, लेकिन अभी वो कंफ्यूज थी अपने प्यार को लेकर, इसलिए वो वहां से चली जाती है। शाम को सेबास्टियन एनेथ के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा हूं। जहां पर एनेथ उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उसको किस कर लेती है और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे इन्वाइट करती है, लेकिन यहाँ सेबास्टियन एनेथ से मना कर देता है
और वहां से चला जाता है। सेबास्टियन जब हॉस्टल पहुंचता है तो उसे कैथरीन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो उस लड़के को छुपा देती है जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना रही होती है, लेकिन सेबास्टियन उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है, लेकिन कैथरीन सेबास्टियन से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहती है, जिस पर वो मना कर देता है। जिस पर कैथरीन सेबास्टियन से कहती है कि तुम एनेट से प्यार हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। मैं एनेट को सब सच बता दूंगी कि तुमने एक शर्त के लिए उससे प्यार किया था। तब सेबास्टियन कैथरीन से कहता है कि मैं ही एनेट को जाकर सारा कुछ सच बता दूंगा। सेबास्टियन एनेट को सारा कुछ सच बता देता है, जिस पर एनेट उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब सेबास्टियन फिर से कैथरीन के पास आता है और कैथरीन से कहता है कि मैंने एनेट से ब्रेकअप कर लिया है, अब हम फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। जिस पर कैथरीन सेबास्टियन से कहती है कि मैं लूजर के साथ कभी रिलेशन नहीं रखती हूँ। अब सेबास्टियन कैथरीन से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तब सेबास्टियन अपनी एक पर्सनल डायरी एक लेटर के साथ उसको भेजता है, जिसमें उसकी सारी सच्चाई लिखी होती है। सेबास्टियन की डायरी पढ़ के एनेट को पता चल जाता है कि उसको प्यार का नाटक करने के लिए कैथरीन ने ही सेबास्टियन को मजबूर किया था। पूरी रात एनेट के घर के बाहर सेबास्टियन इंतजार करता है कि एनेट कब बाहर आएगी, लेकिन उसके बाहर ना आने पर सेबास्टियन वहां से जाने लग जाता है। एनेट ने सेबास्टियन की पूरी डायरी पढ़ ली थी, अब वो सेबास्टियन को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन सेबास्टियन वहां से जा चुका था। सेबास्टियन का आगे चलकर म्यूजिक टीचर से झगड़ा हो जाता है। पीछे से एनेट भी आकर सेबास्टियन को बचाने लग जाती है, लेकिन किसी वजह से उसको धक्का लग जाता है और वो रोड पर गिर जाती है। कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी सेबास्टियन आकर उसको बचा लेता है, लेकिन उसी कार से सेबास्टियन का एक्सीडेंट हो जाता है और मरते मरते वो एनेट से अपने प्यार का इजहार कर जाता है। अगले दिन कॉलेज में सेबास्टियन की आत्मा की शांति के लिए स्पीच हो रही होती है, जिसमें कैथरीन स्पीच दे रही होती है। तभी स्टूडेंट उठकर बाहर जाने लगते हैं, जिससे कैथरीन को अच्छा नहीं लगता है। जब कैथरीन बाहर जाकर देखती है तो कैथरीन की असलियत सभी के सामने बाहर आ चुकी थी, क्योंकि सेबास्टियन ने एनेट को जो डायरी दी थी, एनेट ने उस डायरी की कॉपी पूरे कॉलेज में बांट दी थी। कैथरीन की सच्चाई सभी के सामने आने पर कैथरीन को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। यह मूवी का एंड हो जाता है। हमारे द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी नए वीडियो के साथ।